फ्रेंड्स, पेट कम करने की आपने एक्सरसाइजेस तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ ये इतनी किलिंग एक्सरसाइज है कि आपने एक बार इसका एक राउंड मेरे साथ साथ में कर लिया ना, तो बिल्कुल आपको इतना बर्निंग वाला फील आएगा ना कि आपको लगेगा कि यस, कुछ तो आपने आज किया है। हो सकता है कि ये वर्कआउट करने के 3 से 4 घंटे के बाद आपको यहाँ पेट पे हल्का हल्का दर्द हो, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मसल एंगेजिंग प्रैक्टिस है। आपकी पूरी मसल्स इसमें अच्छे से एंगेज होने वाली है, तो आपको हल्का फुल्का दर्द आपकी मसल्स में फील हो सकता है, उससे घबराइए मत। 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस आप डेली जारी रखिए, ठीक है? तो चलिए आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज की जो प्रैक्टिसेज है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना पेट कम करना है। बाकी जगहों पे ये उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। थोड़ा बहुत असर तो देखो हर एक्सरसाइज का पड़ता ही है आपकी बॉडी के हर पार्ट पे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये आपके पूरे इस पेट को, अपर बेली और लोअर बेली, इस पार्ट को पूरा ये टारगेट करने वाली है, ठीक है? तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि मुझे पता है आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और सब लोग अपनी अपनी एज कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं देखना चाहती हूँ कि किस किस उम्र के लोग अपने पेट के मोटापे से परेशान हैं और इसको कम करना चाहते हैं। तो चलिए अपनी फर्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए, आप इसको जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे भी कर सकते हो, या इस तरीके की आप एक बॉटल ले लीजिए, उससे इसको करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। वीडियो को एक पॉज दो यहाँ पे और फटाफट भाग के बॉटल लेके आओ। 1 लीटर की बॉटल भी आप ले सकते हैं, फिलहाल के लिए आप 1 ही लीटर की बॉटल लीजिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो। पानी से पूरा भर लीजिए इसको और फिर आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, ठीक है? तो क्या करना है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, इस तरह से आराम से लेट जाइए और दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठाइए, ऐसे। ये आपने पैरों को ऊपर उठा लिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है? अपनी बॉटल को लीजिए इस तरह से और ऐसे यहाँ पे आप इसको रख दीजिए इस तरह से ऐसे, ठीक है? अब यहाँ पे अपनी गर्दन को आपको ऊपर उठाना है इस तरह से। अब बॉटल को पूरा पीछे लेके जाएंगे, जितना पीछे लेके जा सकते हैं, कंप्लीटली बैक एंड अप। एक बार और, हाथ बिल्कुल सीधे, पूरा पीछे जितना आप आराम से लेके जा सकते हैं एंड नीचे। गर्दन को आपको नीचे नहीं रखना है, यहीं पे इस तरीके से आपको इसके 10 काउंट करने हैं ये, ठीक है? कम से कम आप इसको 10 बार करेंगे और फिर धीरे से इस तरह से वापस आ जाएंगे। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो आपको गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है, ठीक है? तो चलिए इसके हम टोटल 10 राउंड करते हैं, मेरे साथ साथ में करते जाइए। कम ऑन, सो लेट्स डू इट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and just drop down। अभी जिन भी लोगों ने प्रैक्टिस मेरे साथ में की है उनका ये वाला पूरा पार्ट ना एकदम दर्द करने लग गया होगा, दुखने लग गया होगा। दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सिर्फ यस या नो आपको लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कमेंट करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो जस्ट यस और नो लिखिए और थोड़ा सा अपनी ब्रेथ को रिलैक्स कीजिए। डीप इनहेल, एक्सहेल, ओके, कम ऑन। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस। आई होप कि सब लोगों ने अपना अपना एज अभी तक कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं लिखा है, जिन लोगों को स्किप स्किप करने में मज़ा आता है, वो लोग प्लीज़ अभी अपना एज लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है? इस तरह से लेटिए, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को यहाँ पे अपनी जांघों पे रखिए। आई होप कि बॉटल आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, इसको मैं हटा देती हूँ। अब इस तरह से यहाँ पे रखिए और दोनों पैरों को सामने पूरा पुल कीजिए एंड देन बैक, और पूरा सामने लेके जाइए इस तरह से एंड देन बैक। जिन लोगों को ये करते हुए यहाँ पे लोअर बैक में दर्द हो रहा है कमर में, यहाँ पे आप एक तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से दोनों हाथों को यहाँ पे लगा लीजिए नीचे। जिसको भी कमर में दर्द की दिक्कत हो रही है, दोनों हाथ नीचे लगाइए और पैरों को ऊपर लेके आइए और इसको इस तरह से घुटनों को अपनी छाती के क्लोज लेके आइए एंड देन स्ट्रेच फॉरवर्ड, कंप्लीट बैक एंड कंप्लीट फॉरवर्ड, इस तरह से घुटने बिल्कुल सीधे, पैर के अंगूठे बाहर की तरफ, ठीक है? इसको भी हम टोटल 10 बार करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। 1, 2, 3 जब अंदर आएंगे तो इनहेल, बाहर जाएंगे तो एक्सहेल। 5, 6,
सेवन एट नाइन एंड टेन एंड देन कम अप। अभी मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख के बताओ कि आपके पेट की मसल्स बिल्कुल टाइट हुई हैं या नहीं हुई हैं। आई नो कि ज़रूर हो रही है। तो अभी क्या करना है आपको, दोनों हथेलियों को इस तरह से अपने पेट पे रखना है और हल्का हल्का इस तरह से ये ऐसे हल्का हल्का पेट को रिलैक्स करो, टैप करो, जहाँ जिस भी मसल्स में दर्द हो रहा है वहाँ पे इस तरह से टैप करो ताकि जो ये अभी आपको दर्द हो रहा है ये आपका दर्द निकल जाए। एंड देन दो बार लंबी सांसें लो, पूरा दर्द आपका गायब हो जाएगा। एक और बार, वेरी गुड। नाउ गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से अपनी कोहनियों को बिल्कुल अपने कंधों के नीचे प्लेस करेंगे, ये ऐसे दोनों पैरों को एक एक करके पीछे रखेंगे यहाँ पे और बिल्कुल सीधे एक लाइन में आ जाएंगे, सामने देखेंगे और सिर्फ अपने घुटनों को नीचे रखेंगे और ऊपर। इस तरह से पूरे पैरों को नीचे आपको नहीं रखना है। मोस्टली लोग मुझे पता है ये गलती करेंगे क्योंकि जब मैं लाइव क्लास में सिखाती हूँ ना तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, पूरा पैर नीचे रखेंगे और फिर पूरा ऐसे उठाएंगे। ये नहीं करना है, जस्ट स्टे हेयर एंड ड्रॉप डाउन, अप डाउन अप डाउन, ठीक है। ये हमें टोटल 10 बार करना है। सामने देखते रहिए, नीचे नहीं देखना है वरना आपका पोस्चर बिगड़ जाएगा। कम ऑन, लेट डू इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन कम अप। सिट वेल। फिर से आपके पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द हो रहा होगा तो ये जो दर्द है ना ये आपकी मसल्स को भी स्ट्रांग बनाएगा और आपके पेट के फैट को भी रिड्यूस करेगा। फ्रेंड्स आप चाहें तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव सेशंस में लेती हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल में सारी एक्सरसाइज करवाती हूँ। 1 घंटा फेस टू फेस हम एक्सरसाइज करेंगे, साथ में मैं आपको डाइट प्लान भी प्रोवाइड कराती हूँ। जैसे कि आप जानते ही हो कि मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ तो मैं आपको आपके हेल्थ के हिसाब से डाइट प्लान भी देती हूँ प्लस वर्कआउट भी कराती हूँ जो कि एक अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट देता है आपकी बॉडी को फैट को बर्न करने के लिए। और जो भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं, मान लीजिए आपको COD है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से आपके डाइट और वर्कआउट कस्टमाइज होते हैं जो कि आपको 100% सूट करते ही करते हैं क्योंकि वो आपके हिसाब से होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरह से पैरों को सामने रखिए और आराम से पीछे लेट जाइए। यहाँ पे दोनों हथेलियों को अपने कमर के नीचे रख लीजिए। ये हम इसलिए रखते हैं ताकि आपके कमर में किसी तरह का कोई क्रैम्प ना आए, कोई दर्द ना हो, ठीक है। ऐसे दोनों पैरों को सामने सीधे रखेंगे। अब यहाँ से दोनों पैरों को हम क्रिस क्रॉस कराएंगे इस तरह से, ये क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको एक बार में नीचे नहीं आना, थोड़ा सा रुको यहाँ पे और मेरी बात सुनो। अगर आप पेट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर डाइट प्लान मेरे चैनल पे है पेट को कम करने के लिए, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, उसको भी एक बार चेकआउट आप ज़रूर करना, ठीक है। कस्टमाइज नहीं है, एक सैम्पल डाइट प्लान है जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। चलिए अब इसको नीचे ले आते हैं, क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है। इसको हम सिर्फ 5 बार करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अप 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 डाउन 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 डाउन। नेक्स्ट अप 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 डाउन 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 डाउन। अप 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 up up down 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 down, come on, the fourth round, up 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 down 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 down, last round, up 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 down 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 down। ah mujhe pata hai aapke bhi pet mein bahut burning sensation ho raha hoga, ऐसा लग रहा होगा कि बस आज तो पेट का ना बैंड ही बज गया। अगर ये प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे करते हैं विद इन 7 डेज आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको ये इसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज फॉलो करनी है, साथ में आपको ये डाइट प्लान फॉलो करने हैं तभी आपको इसका फायदा होगा। वरना पूरा दिन अगर उल्ट सुलट खाते रहोगे साथ में एक्सरसाइज करोगे तो आपको फायदा तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना मैं गारंटी ले रही हूँ या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो,
बहुत फायदे में रहोगे। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।